आज का जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हमने कंप्लीट की थी। आज ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर हम वो सॉल्व करेंगे, उसको उनके क्वेश्चन को देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल ना हो या आपको शायद अच्छी ना लगे, बट हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप बेल आइकन को इसलिए क्लिक कर दीजिएगा। तो ये एक किस्म का रिवॉर्ड होता है सब्सक्रिप्शन का फ्रॉम यू फॉर मी, जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके बदौलत। तो स्टार्ट करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर नंबर 3। अब हर एक पिक्चर का अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 1/8, ये भी होगा 1/8 और ये भी होगा 1/8। अगर हम इनके जो नोमिनेटर हैं या जो फिर हम कहेंगे जो शेडेड पार्ट है, हम इनको आपस में मिला दें तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब 1 + 1 + 1 = 3, तो 3/8 ये जी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे इन्होंने 1/8 + 1/8 + 1/8 कर दिया है। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि इनका मतलब ये है कि 1/8 को हम 3 बार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3 बार इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 × 1/8। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। अब यहाँ पे हम जो 3 है हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 3 इज़ द सेम एज 3/1, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है 5 × 3/4, तो सॉल्व करते हैं 5 × 3/4। ठीक है जी, तो मैं तो इसका करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने देखनी होती है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब समझने के लिए मैं एक चीज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मैं 5 के नीचे 1 दे रही हूँ, मतलब ये आप अज्यूम कर लें कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं, और मल्टीप्लाई 3/4। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देखें कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर से हो रहा है या एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कोई डिवाइड हो रही है, कोई उनकी आपस में हो रही है, कोई कोई एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर नहीं काट रहे तो आपका हो जाएगा जी, आप फिर आपने क्या करना है, जो नोमिनेटर है वो आपस में आपने मल्टीप्लाई करने और जो डिनोमिनेटर है वो आपने आपस में करने हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 5 और 4, ये दो डिनोमिनेटर आपस में कोई इनकी डिवीजन नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन से हैं, 5 × 3 और नीचे के कौन से हैं, 4 × 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 4 × 1 = 4। इसको जब हम मिक्स को जब हम इम्प्रॉपर में करते हैं तो इसका तरीका क्या होता है, ये भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो 4 × 3 = 12, 3, तो ये आपका आंसर आएगा 3 whole 3 whole 3/4। तो ये देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे आंसर है 3 whole 3/4। तो ये बेसिक तरीका होता है। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी अगर हम छोड़ लें फिलहाल, तो हम इन्होंने किस तरीके से किया है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 × 3 = 21 और 14 × 1 = 14। अब आप इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 7 का टेबल लगाया, 7 × 7 = 7, 2 × 14 एंड 7 × 21, 3/2, 1 whole 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा फिगर हो, मतलब मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन हो, तो इसको किस तरीके से हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर है, ये फिगर का मतलब है 3/4। ठीक है, मतलब 4 से किए गए उसके हमने 3 इसे लिए हैं, तो कहा गया है इसका आपने 1/4 ऑफ 3/4 आपने मालूम करना है।
ठीक है, 1/4 of 3/4। अब इसमें जब फ्रैक्शन में या फिर हम मल्टीप्लीकेशन में जब ऑफ की बात कर रहे होते हैं तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उन्होंने कहा 1/4 of 34 आपने मालूम करना है। तो इसका क्या होगा, इसका इस तरीके से होगा, इन्होंने कहा है 1/4 of 34, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 1/4 of 3/4, 1/4 of 3/4, तो इसका होगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/4, वही आपने करना है, 3 1 3, 4 4 16, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो 3 सेम आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्होंने 3 फ्रैक्शन दी हुई हैं, तो इसको भी आपने किस तरीके से करना है, 2 3 1 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा वो आपके पास आंसर ऊपर का तो 6 आ जाएगा और नीचे का आएगा आपके पास 90, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या यहीं पे भी आप कर सकते हो। देखो किस तरीके से आप 2 1 2 2 1 2, 3 1 3, 3 3 9, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ आपके पास 1 बचा और 5 3 15, ये आपका बहुत सिंपल, ये देखिए आंसर आपका आ गया, बहुत सिंपल आंसर, इसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इन्होंने कहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी बहुत आसान है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने पहले क्या करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पिछली तो वो देख लें, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी फिर आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं, करते हुए आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको मैं इतने डीप में इसलिए नहीं जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी आगे। उसके बाद इन्होंने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करनी है। इससे पहले हमने एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए के साथ बी जब प्लस कर रहे हैं वो भी बराबर होगा जब बी को ए के साथ प्लस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की कौन सी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, आंसर वही होगा। ये देखें ये ए है ये बी है, ये बी है ये ए है, जब ये करते जाएंगे तो इनका आंसर ये, ओ सॉरी ये वाला, ये और ये क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही होगी कि आपका ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी या सी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, इसी तरीके से आप करेंगे आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे जाने की इतनी डीप में ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। इसका मैं कर लेती हूँ एक क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना पूरी पूरी एक्सरसाइज करें, तो पूरी पूरी एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, आप खुद घर में कर लें, एक दो मैं समझा देती हूँ भाई कर लें आप, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिंपलीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्वेश्चन है कि सिंपलीफाई करें फॉलोइंग फ्रैक्शन को, 5/6 of 9, क्वेश्चन 1 हम देख लेते हैं, 5/6 of 9 मतलब 5/6 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऑफ 9 मीन्स 5/6 × 9, तो आप यहां से ही कर लें, 3 का टेबल यहाँ पे जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। ये होगा 5 3 15, 15 और 2, ये हो जाएगा। अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आए तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर मैं इस तरीके से करूँ, 2 7 14 -1 माइनस, तो रिमाइंडर 1, तो ये 7 होल 1/2, ये आपका जी आंसर आ गया, किसका, फर्स्ट वन का, इसका आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी आप कर सकते हो।
अब मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला कर लेती हूँ। सेवन सेवन कौन सा है? फोर होल, फोर अपॉन फाइव। फोर होल फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई फोर होल थ्री अपॉन थ्री। तो दोनों फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर और होल मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर फाइव ज़ा 20, और जो नॉमिनेटर होता है वो ऐड किया जाता है। तो 20 में हम 4 ऐड करेंगे, इट बिकम 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 थ्री ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 12, 13, 14, 15, 15 अपॉन 3। अब देखें कोई टेबल जा रहे हैं? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, और ये भी हो जाएगा 3 वन ज़ा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कम्यूटेटिव एसोसिएट प्रॉपर्टी करना है। तो कम्यूटेटिव कौन सी थी? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। तो ये ए है और ये बी है, तो इसमें से बी मल्टीप्लाई ए मतलब 7/4, 2 मल्टीप्लाई 9 ये होगा 3/7 और ये होगा 2/9। ठीक है, इसको कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी, तो बी मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ से हमें ए मिल रही है 3/7 और यहाँ से हमें बी मिल रही है दैट इज़ 4/7। 3/7 मल्टीप्लाई 4/7, 4/7 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये मैं कुछ और क्वेश्चन जो है वो आगे करवाऊँगी, तो इसलिए मैंने इतने अभी तक के लिए इतने काफ़ी है। उसके बाद है जी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है? तकसीम करना। ठीक है, अगर जैसे उन्होंने कहा है कि 1/2 को 4 हिस्सों में तकसीम करें, 1/2 को 4 हिस्सों में, मतलब इसके आपने 4 हिस्से और बनाने। ठीक है, डिवाइड इनटू 4 मोर पार्ट्स। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका सिंपल तरीका ये होता है कि डिवीजन हमें जैसे पता है कि 4 के नीचे क्या है? 1 है। तो हम डिवीजन को ख़त्म करके रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 4 का मैं रेसिप्रोकल बनाऊंगी। तो पहले तो रूल ये है कि डिवीजन ख़त्म होकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और जो 4 है यहाँ पे डिनोमिनेटर नोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर कौन सा है? 1 है। जब रेसिप्रोकल का हम बनाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। देखें इन्होंने किया है 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 या 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, इन्होंने आपस में किया तो आपके आंसर आ जाएगा 1/8। इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रेसिप्रोकल मालूम करने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक क्वेश्चन में करवा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ पे ये वाला मैं कर लेती हूँ, 3/7/5। ठीक है, इसका पहला रूल ये है कि 3/7 और 5 इसका मैं रेसिप्रोकल बनाऊंगी, ये हो जाएगा 1/5। बाकी चीज़ें अब वही हैं, 3 1 ज़ा 3, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, ये आपका देखें आंसर आ गया। और कुछ भी आपने नहीं, एक और बात मैं बता दी चलूँ, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस साइन के बाद जो ये वाला होता है ना, ये चेंज होता है, ये वाला चेंज नहीं होता। रेसिप्रोकल हम इस वाले साइड के बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किया है, यहाँ पे 2/3 था तो इन्होंने 3/2 रेसिप्रोकल इसका बना दिया, करते गए और ये इनका पूरा आंसर आ गया। ये बात आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पे तो एक होल था और एक फ्रैक्शन थी, यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है, अगेन 14 और 27 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 27/14, और इन्होंने कर लिया और इन्होंने करते करते इनका ये आंसर आ गया। ये आगे हम करेंगे तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आगे और एक और देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन की डिवीजन हो रही है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में इन्होंने वो कर लिया, फिर उन्होंने उनका रेसिप्रोकल बनाना है वो भी कर लिया, ये देखें। और उसको फिर जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो क्रॉस कर लें, वरना फिर नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। इसके मैं दो क्वेश्चंस करती हूँ, एक ये कर लूँगी और एक मैं ये कर लूँगी 9। तो 4/9 डिवाइडेड बाय 16/9। फोर अपॉन नाइन
डिवाइडेड बाय 16/9। सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल बनाऊंगी, 4/9 डिवीजन बिकम मल्टीप्लिकेशन और 9/16। अब यहाँ पे टेबल जा रहा है, 9 1 9 9 9 9, 4 1 4 4 4 16। तो आंसर आएगा मेरा 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4। तो ये 1/4 आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 2 होल 1/3। 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो पहले मैं मिक्स्ड को मैं इम्प्रॉपर में लेकर आऊँ, 3 2 6, 6 में 1 8 करेंगे 7/3 और डिवाइडेड बाय 2/5। अब वही आपका होगा 7/3 डिवीजन बिकम मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल होगा 5/2। ठीक है, अब क्या होगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 7 5 35, 3 2 6 और फिर आपने इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाकर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगे। अब है जी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है मैं आगे एक और वीडियो में कर लूँगी, और फिर मेरी ये कोशिश है कि 3.6 के मैं पूरे आज इस बार जो 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम में वो करवाऊँ और फिर रिव्यू करें हम एक्सरसाइज की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब